देश में आर्थिक सुस्ती है, छोटे कारोबारी आंसू बहा रहे हैं। फेस्टिव सीजन में उनके लिए सब सूना सूना था, क्योंकि बड़े बड़े डिस्काउंट के दम पर बड़े बड़े मॉल्स और ऑनलाइन मार्केट्स ने तगड़ा झोल कर डाला। ऑफर्स की आंधी में ग्राहक उड़ चले और बाजार में सूनापन रहा, यानी छोटे कारोबारी मक्खी मारते रहे और माल काट ले गए अमेजन, फ्लिपकार्ट, अंबानी वाला, रिलायंस, डीमार्ट और बजाज जैसे शोरूम। खैर, ऑफलाइन की बात भी यहाँ रहने देते हैं और बात करते हैं देश में तेजी से माल काट रहे दो ऑनलाइन प्लेयर्स की। तो देश के दो सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर फ्लिपकार्ट और अमेजन ने अक्टूबर में 15 दिनों के त्योहारी सीजन में 31,000 करोड़ की सेल की है। रेडसीर कंसल्टिंग कंपनी के मुताबिक यह आंकड़ा अनुमान के हिसाब से कम है। जानकारों का कहना था कि करीब 40,000 करोड़ की सेल होगी। फ्लिपकार्ट की एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1,976 रुपए रही, वही अमेजन की 1,461 रुपए थी। इससे पता चलता है कि लोगों ने महंगे सामान वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट से खरीदे। इन दो कंपनियों की बात करें तो फ्लिपकार्ट की बिक्री का शेयर 64% रहा। वहीं नेट प्रमोटर स्कोर के मामले में अमेजन आगे रहा। एनपीएस से ग्राहकों की लॉयल्टी का पता चलता है। विश्लेषकों ने जितनी बिक्री का अनुमान लगाया था उससे 14% कम ही सेल हुई है। दोनों कंपनियों की बिक्री का अनुमान $5 अरब का था। रेडशीट के मुताबिक अमेजन पर इलेक्ट्रॉनिक और फैशन आइटम की अच्छी उपलब्धता के चलते एनपीएस अच्छा रहा। वहीं फ्लिपकार्ट ने छोटे शहरों में अच्छी सेल की है। मिली जुली बात करें तो दोनों कंपनियों में कांटे की टक्कर थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेजन पर कैंसिलेशन रेट भी कम थी। अमेजन का कहना है कि हमें खुशी है कि भारत की नई डिजिटल इकोनॉमी बनाने में अमेजन बड़ा सहयोग कर रहा है। फ्लिपकार्ट की तरफ से कहा गया कि जितना मिला है उम्मीद उससे ज्यादा की थी। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन इन कंपनियों के लिए स्पर्धा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि लोग ऐसे समय में ही महंगे सामान लेते हैं और नए सामान की खोज करते हैं। फरवरी में नई ई कॉमर्स पॉलिसी लागू होने के बाद ये पहला त्योहारी मौसम था। दोनों ही कंपनियों का कहना है कि नई पॉलिसी से सेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट मार्केट में वृद्धि काफी धीमी देखी गई है। इसके अलावा छोटे शहरों में लोग ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग को तवज्जो देने लगे हैं।